स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो है ईवी कार के ऊपर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ये है महिंद्रा की वेरिटो, 4 साल पुरानी गाड़ी है, 74,000 चल चुकी है। ये गाड़ी मेरे शॉप के सामने ही बंद पड़ गई, कस्टमर साइड के बैंक में आया था, फिर से गाड़ी चालू की तो ड्राइव मोड में नहीं जा रही है। तो आप यहाँ देखो इंस्ट्रूमेंट में वेट इनिशियलाइजिंग करके आ रहा है, ऐसा आता है और फिर रीस्टार्ट आता है और रीस्टार्ट कर दिया तो फिर ये दोहराता है। तो यहाँ देखो रीस्टार्ट करके आया, अब मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ। प्रेस ड्राइव मोड, ड्राइव मोड को प्रेस करना पड़ता है यहाँ से। तो अब देखो वेट इनिशियलाइजिंग और यहाँ स्पिनर की लाइट भी आ रही है सर्विस करके, कुछ तो माल फंक्शन है। अभी आया देखो ड्राइव फॉल्ट, ये ड्राइव मोड में नहीं जा रही है, ड्राइव फॉल्ट करके आ रहा है। तो देखते हैं स्कैनर में क्या फॉल्ट कोड दिखाता है, जाते हैं महिंद्रा में और अपनी गाड़ी है e-varito और यहाँ e-varito को सेलेक्ट करते हैं। D2 है, सिस्टम में देखते हैं और यहाँ रीड ट्रबल कोड्स। तो देखो इसमें 3 फॉल्ट कोड्स है, एक है P1130 मोटर ओपन और दूसरा है P1026 स्पेयर टू टेम्परेचर टू सेंसर फेलियर और तीसरा है U1425, ये कम्युनिकेशन एरर का रहेगा शायद, हील्ड करके आ रहा है और ऊपर के 2 करंट में है। जो हमारा मेन फॉल्ट कोड है वो P1130 मोटर ओपन करके, इसके कारण ये गाड़ी ड्राइव मोड में नहीं जा रही है। तो इन DTC को क्लियर करके देखते हैं क्लियर होते हैं कि नहीं। क्लियर कर दिया, फिर से रीड करके देखते हैं। तो भाई ये 2 क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये दोनों वापस आ गए, कुछ तो इश्यू है, देखते हैं चेक करके। मोटर ओपन जो कोड है उसको हम पहला देखेंगे, जिसके कारण गाड़ी ड्राइव मोड में नहीं आ रही है। टेम्परेचर सेंसर को बाद में देखते हैं। खोलते हैं बोनेट को और इंजन की साइड में देखते हैं। इसमें इंजन नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर है और उसका इन्वर्टर रहेगा जो 72 वोल्ट से 300 वोल्ट बनाता है। इन्वर्टर मोटर इंसुलेट कर दिया है। ये 3 वायर मोटर में जा रहे हैं, यहाँ इन्वर्टर है, इन्वर्टर में से नीचे मोटर में जा रहे हैं, ये दोनों इनपुट रहेंगे। ये सेफ्टी स्विच है, यहाँ का कवर मैंने निकाल दिया और एकदम बारकाई से मैंने देखा तो यहाँ देखो ये ब्लू कलर का जो कनेक्टर है यहाँ से मोटर में जाता है। क्लोज में दिखाता हूँ, ये यहाँ जल चुका है, मेल्ट होके यहाँ गिर गया है, इसके कारण मोटर ओपन करके कोड आ रहा है। यही है कॉज जो ड्राइव मोड में नहीं पड़ती थी गाड़ी। इसको रिपेयर करते हैं अच्छी तरह। सभी ईवी गाड़ियों में कहीं भी हाथ लगाने से पहला इस सेफ्टी स्विच को ऑफ़ करना पड़ता है, ऑफ़ करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। इन ईवी गाड़ियों में 300 वोल्ट तक DC करंट रहता है जो ख़तरनाक है अपनी जान के लिए। इस मोटर केबल को मैंने निकाल दिया और अच्छी तरह क्लीन भी कर दिया। मुझे लगता है कि ये जो क्लैंप क्रिम्पिंग किया है वहाँ गर्म होके लूज कॉन्टैक्ट हुआ होगा, यही कारण होगा कि इसके स्लीव जल गए। ये मेरा हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल है, इसमें से 2 क्रिम्पिंग डाई निकालते हैं और करते हैं क्लैंप को और भी क्रिम्पिंग ताकि वो टाइट हो जाए। ये डाई इस क्लैंप के ऊपर बराबर बिठेगा। दोनों डाई डालते हैं टूल में
और डाई को यहाँ से लॉक कर देते हैं। वायर के क्लैंप को डाई के बीच में डाल दिया। अभी प्रेसिंग करते हैं, यहाँ बराबर रख के इसको अभी प्रेस कर देते हैं। यहाँ इस नॉब को घुमा के लॉक करना होता है हाइड्रोलिक प्रेशर बनने के लिए। कैमरा थोड़ा रखता हूँ, दोनों अच्छा ही है। और यहाँ देखो, एक क्रिम्पिंग हो गया। पहला ये राउंड था, अभी इसके ऊपर हेक्सागोनल मार्क आ गए प्रेसिंग होने के बाद, आप देख सकते हैं। अभी ये वायर इस क्लैंप में बिल्कुल टाइट हो गया। इस स्लीव को अभी गर्म करके फिक्स कर देते हैं। स्लीव इंसुलेटर फिक्स कर दिया, इसके ऊपर और भी एक चढ़ा देता हूँ ताकि इसका इंसुलेशन बराबर हो जाए। गर्म होके कहीं भी टच होने का चांस नहीं होगा। दो इंसुलेटर चढ़ा दिए। ये जो शील्डिंग है, ये ग्राउंड शील्डिंग है, इसके ऊपर भी एक स्लीव चढ़ा देते हैं। देखो चढ़ा दिया और ग्राउंड भी एकदम प्रॉपर फिक्स हो गया। इसमें रेड, येलो और ब्लू होता है। ये जला हुआ इंसुलेटर ब्लू कलर का है। मेरे पास ब्लू कलर तो नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैक कलर डाल दिया। इसको देखो, ये बिल्कुल जल के मेल्ट हो गया है। केबल को लगा दिया, अभी इन बोल्टों को करते हैं टाइट। सभी फिटिंग हो गई। अब इस सेफ्टी स्विच को ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के बाद यहाँ दो रिसेट स्विच है, इन दोनों स्विचों को 5-6 सेकंड दबा के रखना होता है। कट करके आवाज़ आएगा रिले ऑन होने का, तब छोड़ना होगा, तब हमारी हाई वोल्टेज बैटरी ऑन हो जाएगी। रिले ऑन आ गई। अभी अंदर क्लस्टर में देखते हैं हमारा काम बना है कि नहीं। चाबी डालते हैं और क्लस्टर ऑन आ गया। कह रहा है कि प्रेस ड्राइव टू स्टार्ट। यहाँ ड्राइव को प्रेस करते हैं और ये देखो, रेडी टू ड्राइव। हमारा काम बिल्कुल बन गया दोस्तों। ये प्रॉब्लम अभी ठीक हो गया। अभी गाड़ी को आगे पीछे करके देखते हैं। अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, इसको अभी फॉरवर्ड ड्राइव में करते हैं। फॉरवर्ड में हुआ, थोड़ा आगे लेता हूँ तो देखो आगे जा रही है। अभी रिवर्स में करता हूँ, देखो रिवर्स में भी जा रही है। थोड़ा एसी को भी ऑन करके देखेंगे बराबर चलती है कि नहीं। एसी भी चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो काम का है तो एक लाइक दे दीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।